स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, जीपैट इस सेकंड ऑफ में को होने जा रहा है। अभी तक आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, लेकिन मैं आपको कंफर्म करूं, मॉक टेस्ट का जो प्लेटफॉर्म होता है और जो फाइनल जीपैट का प्लेटफॉर्म होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको देखना पड़ेगा ड्यूरिंग योर जीपैट एग्जाम, आपको कैसे वहां पे सेलेक्ट करना है, कैसे अनसेलेक्ट करना है, चेंज ऑप्शन क्या है, मार्क रिव्यू विथ नेक्स्ट क्या है, मार्क रिव्यू विदाउट नेक्स्ट क्या है, तो बहुत सारी चीजें थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए जो आपको फाइनल एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो मैं आपको यहां पे पूरा एक्चुअल प्लेटफॉर्म के साथ आपको मैं ट्रेन करने जा रहा हूं। जरूर ये वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपके जरूर फाइनल एग्जाम में आपका टाइम जरूर सेव करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे आपका ये पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे वो क्रिएट कराया जाएगा और आपको एक सिस्टम मिल जाएगा, आप वहां पे अपने सिस्टम पे बैठ जाएंगे। लॉगिन करते वक्त सबसे पहले आप क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि यहां पे आपका नेम और आपकी फोटो आ रही हो, ये कंपलसरी है। और जब आप यहां पे लॉगिन करके जाएंगे तो आपका एक इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होगा। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली और बहुत ध्यान से इसको थोड़ा फोकस करिएगा। मैं आपको यहां पे कुछ ये आपको सिंबल से रिव्यू कराता हूं। सबसे पहले यहां पे आएगा जब क्वेश्चन में कोई निशान नहीं बना, व्हाइट है, मींस आपने अभी तक उस क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया है। दूसरा यहां पे आपको रेड कलर, मींस यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, रेड कलर से आपका मार्क होगा, अभी वो भी मैं आपको विजिट कराता हूं। अगर ग्रीन कलर है मींस यू हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, और ये दो ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ You have not answered the question but have marked question for the review. Suppose आपने question पढ़ रहे थे और during आपके question आपको लगता है यार इसमें 50-50 का chance है लेकिन time लगेगा और मैं अभी आगे बढ़ता हूं, इसको बाद में second round पे देखूंगा, तो वहां पे क्या कर दीजिए, question mark for the review कर दीजिए, पहला point। दूसरा आंसर, एक और ऑप्शन आएगा कि अगर आपको 90% कंफर्म है कि हाँ यही होगा लेकिन अभी मैं इसका आंसर टिक कर रहा हूं लेकिन बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, तो वहां पे ऑप्शन आता है आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर द रिव्यू। दोनों अलग चीजें हैं। देखो जब प्योर यहां पे आपको पर्पल कलर दिखेगा मींस वो हमारा क्या है, फुल्ली नॉट आंसर्ड है, और जब आंसर विद द रिव्यू है तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर मैंने इसको सही नहीं किया तो भी ये कंसिडर होगा, यहां पे मार्क्स मुझे मिलेंगे, यहां पे मेरा इवेल्युएशन होगा और गलत हुआ तो निगेटिव मार्किंग जाएगा। लेकिन अगर प्योर पर्पल कलर है मींस यहां पे मुझे इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा, मेरे क्वेश्चन को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। मैं आपको और आगे के डिटेल में इसको लेके चलूंगा और समझाता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा, नेक्स्ट और क्लियर का ऑप्शन रहेगा। सपोज आपको नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट करेंगे और क्लियर, आपको लगता है कि यार आंसर किया लेकिन लग रहा है कि इसमें मुझे ऑप्शन चेंज करना है तो ए बी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लगता है कि नहीं मैं कोई आंसर नहीं देना चाहता तो क्लियर का ऑप्शन वहां पे रहेगा, आप क्लियर बटन दबा के उसको क्लियर कर देंगे। इनको जरूर एक बार कंफर्म करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट मार्क फॉर द रिव्यू, ये आपके नेविगेशन आंसर होते हैं। आपको सेलेक्ट करना है, डीसेलेक्ट करना है या आपको क्लियर करना है, वो ऑप्शन आपको यहां पे ध्यान देना है। और सब यहां पे जब आप ये सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे देन आप यहां पे करोगे यस आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली नाउ प्रोसीड, और जैसे ही प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा दिस इज द सेम प्लेटफॉर्म फॉर द जीपैट 2023 जो आपका होगा, ऐसा ही आपका यहां पे दिखेगा जो आपकी स्क्रीन होगी। जरा देखिए यहां पे आपका नेम होगा, यहां पे आपका एग्जाम जीपैट हो रहा है, जीपैट 2023 लिखा आएगा और यहां रिमेनिंग टाइम चलता रहेगा, तो आपको ये टाइम भी ध्यान देके चलना है। आपको अपने मोबाइल मत देखिएगा, अपना सॉरी मोबाइल तो नहीं रहेगा लेकिन आप अपनी वॉच मत देखिएगा, ये टाइम आपके लिए जरूरी होने वाला है। अब यहां पे जरा ऑप्शन चलिएगा, आपको यहां पे सपोज आपका ये पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन है यहां पे आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे, इनको पढ़ना है और सेलेक्ट यहां पे करना है, ठीक है 1 2 3 4। अब सपोज मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और मुझे यहां पे लगता है कि पहला आंसर सही है, श्योर शॉट हूं, मैंने यहां पे पहला क्लिक किया, नाउ सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ, देखिए पहला क्वेश्चन में मेरा ग्रीन हो गया, मतलब हाँ ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बाकी सब अभी आपके व्हाइट दिख रहे हैं, मतलब अभी मैं वहां पे गया ही नहीं हूं, करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है, मैंने सपोज इसको पढ़ा, अब यहां पे मुझे लग रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं आ रहा है, करेक्ट। अब मुझे नहीं आ रहा है तब मैं इसमें सीधे नेक्स्ट कर दूंगा, इससे क्या होगा, नेक्स्ट करने से अब मेरा क्वेश्चन टू क्या हो गया, रेड हो गया, दैट मींस इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, अब इसको मैंने पढ़ा, अब मुझे इसमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आ तो रहा है, मतलब मैंने बोला कि यहां पे सपोज
थर्ड होगा 90% चांस है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार बाद में क्रॉस चेक कर लूंगा। तो मैंने यहां पे आंसर, अब यहां पे दो ऑप्शन आएगा, देखो सेव एंड नेक्स्ट अगर पूरी तरह क्लियर है तो, पूरी तरह कंफर्म हो तो, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे इसका आंसर नहीं देना, मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अगर मुझे यह लग रहा है कि मुझे सेव एंड मार्क फॉर द रिव्यू, सेव करूंगा 99% कंफर्म है लेकिन थोड़ा सा डाउट है, तो सेव एंड मार्क फॉर द रिव्यू कर दूंगा। इससे क्या हुआ, देखो आपको पर्पल कलर विद द ग्रीन मतलब आंसर्ड किया है लेकिन अभी डाउट में है, तो इसको बाद में आप जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो लास्ट में आके इस क्वेश्चन पे जब आप थर्ड क्वेश्चन पे जाओगे, अब आपको यहां पे देखेगा थर्ड, अब जैसे आप थर्ड क्लिक कर दोगे, आप सपोज किसी क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो यहां डायरेक्ट क्लिक करके भी आप जा सकते हो। सपोज मुझे सीधे पांचवे पे जाना है तो पांचवा ओपन हो जाएगा, अब पांचवे को अगर मैंने आंसर नहीं किया तो मेरा आगे हो जाएगा। सपोज मैं सीधे 13 पे जाना चाहता हूं, आंसर नहीं किया गया है, रेड से अभी दिख रहा है मैंने यहां पे आंसर नहीं किया है, करेक्ट। अब सपोज मैं आगे जगह चला गया था लेकिन अब मुझे वापस से इस क्वेश्चन पे आना है और मुझे लगता है कि नहीं इसको मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं कंफर्म हूं। अब देखो वो मेरा थर्ड क्वेश्चन जो है वो ग्रीन बन गया, करेक्ट। ये लास्ट में जरूर कर लीजिएगा, करोगे बेनिफिशियल रहेगा, कंफ्यूजन से दूर रहोगे। सपोज फोर्थ क्वेश्चन है, अब फोर्थ क्वेश्चन में मुझे यहां पर लग रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन सही है लग रहा है, लेकिन अब यहां पे मुझे क्या करना है, लेकिन 50-50% चांसेस हैं, तो मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकता हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मार्क फॉर द रिव्यू, मतलब अभी इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ूंगा तब आंसर करूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर पे मेरा क्या लिखा है, मार्क फॉर द रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू आपका काउंट नहीं होगा। अगर आपने आंसर्ड एंड मार्क फॉर द रिव्यू ये वाला सिंबल बनाया है, ये वाले पे सेलेक्ट किया सेव एंड मार्क फॉर द रिव्यू, तो वो काउंट होगा, साफ साफ लिखा है विल बी कंसीडर्ड फॉर द इवेल्युएशन। अगर मार्क, अब यहां पे दो ऑप्शन है, आंसर्ड एंड मार्क फॉर द रिव्यू यानी जब आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है, और मार्क फॉर द रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है यानी मार्क फॉर रिव्यू में आपका अगर पर्पल कलर दिख रहा है मतलब वो काउंट नहीं होगा। अब आपने मार्क फॉर रिव्यू किया और बाद में आने के बाद अगर सपोज आपको लगता है यार वो सही तो था, मैंने उसको अब मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मेरा काउंटिंग हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि आपने आंसर नहीं किया है। तो इसलिए अगर आपको पूरी तरह नहीं लग रहा है तो आप सीधे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है 50-50% चांस है तो उसको मार्क एंड रिव्यू पे डाल दीजिए। अगर आपको लगता है तीन ऑप्शन में से लगता है कि चौथा यही होगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट है, तब आप वहां पे सेव एंड मार्क फॉर द रिव्यू करिएगा। और इस तरह से आप अगर आप बढ़ोगे तो ये सारे ऑप्शंस को जरूर क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे आगे जाना है, यहां से आप नेक्स्ट पे जाओगे, बैक पे जाना है, पिछला क्वेश्चन देखना है यहां से जा सकते हो, किसी अदर क्वेश्चन पे सपोज डायरेक्ट पहुंचना है सीधे आप 75 पे क्लिक करोगे, सीधे यहां 75 पे पहुंच जाओगे। तो इन ऑप्शन से थोड़ा दोस्ती कर लीजिए और अगर ये चीजें प्लेटफॉर्म ये पैटर्न आप समझ लोगे तो शायद आपके जीपैट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वर्ड फिर से क्लियर करूंगा, अगर व्हाइट है मींस आपने वो क्वेश्चन को देखा ही नहीं, रेड अब यहां पे जरूर एक बार देख लीजिएगा पूरा पढ़ने के बाद, कोई व्हाइट तो नहीं दिखना चाहिए, मतलब मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, रेड है आंसर नहीं किया, ग्रीन है दैट मींस यू हैव आंसर्ड फॉर दैट, ओनली पर्पल है कोई ग्रीन साथ में नहीं है तो आंसर्ड फॉर द रिव्यू दैट विल नॉट बी काउंटेबल, और आंसर्ड विद द रिव्यू रखा है तो हाँ ये काउंट किया जाएगा। तो अगर आप गलत यहां पे करके सोच रहे हो कि हम रिव्यू करने के लिए छोड़े हैं शायद काउंट ना हो तो काउंट होगा, और गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग भी जा सकती है। तो अगर आप इस चीज को अप्लाई करते हैं डेफिनेटली आपके फाइनल में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। सो ऐसी चीजों के लिए जरूर अपने आप को तैयार करके चलिएगा ताकि फाइनल में आपसे ऐसी गलतियां ना हो और आप सीधे किसी भी क्वेश्चन पे यहां से जा सकते हैं। और एट द लास्ट जब आप टाइमिंग चेक कर रहे होंगे लास्ट में आपको यहां पे सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड नॉट आंसर्ड और मार्क फॉर द रिव्यू ये सब कुछ लिखा रहेगा, कितना आपने किया है वो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा यहां पे। आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट, अगर यस है तो यस करिएगा, अगर लगता है नहीं कुछ करेक्शन करना है नो करके एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। आपने नॉट विजिटेड कितने क्वेश्चन नहीं देखना, इसमें तो जीरो होना चाहिए, नॉट विजिट में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एट द लास्ट यस करके सबमिट कर देना है, यस आई हैव सबमिटेड। सो ये रहा सैंपल कैसे आपको जीपैट का पेपर देना है, क्या क्या वहां पे डिफरेंट अल्फाबेट के कौन कौन से वहां पे वर्ड आते हैं उनको समझना ज्यादा जरूरी है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, थैंक यू।